हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सुनुप। दोस्तों, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे फैन से कि मर्द को दर्द नहीं होता का रिव्यू किया जाए। तो मैंने एक लेट नाइट शो देखा और बहुत ही लेट नाइट इस वीडियो को अपलोड भी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं मूवी के बारे में बताऊंगा। जैसे ही मूवी खत्म हुई थिएटर में, लोगों ने तालियां बजाना चालू किया। अब अक्सर ऐसा रिएक्शन हमें फिल्म फेस्टिवल में देखने मिलता है, थिएट्रिकल रिलीज में बहुत ही कम देखने मिलता है। एंड वेन एवर वी गेट टू सी दैट रिएक्शन इन अ थिएटर, इन अ नॉर्मल थिएटर, ड्यूरिंग अ नॉर्मल थिएट्रिकल रिलीज, ऐसे समझ लेना फिल्म सबको छू गई है, फिल्म सबको इम्प्रेस कर गई। और वही इफेक्ट और वही इम्पैक्ट लाया मर्द को दर्द नहीं होता। ये डिफरेंट फिल्म है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग या फिनोमिनली ब्रिलियंट फिल्म है, नहीं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं। इट्स अ डिफरेंट फिल्म, लेकिन बहुत ही एक मज़ेदार फिल्म है। इसमें वो रोहित शेट्टी का मसाला एक्शन नहीं है, ना ही कि इसमें यश चोपड़ा का स्विट्जरलैंड लंदन अमेरिका वाला रोमांस है। इसमें रोमांस है लेकिन डिफरेंट है, इसमें एक्शन है वो भी डिफरेंट है, डायलॉग्स है वो भी डिफरेंट है। एंड वही डिफरेंस इस फिल्म को मज़ेदार बनाती है, बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू सी अ मैन लाइक अभिमन्यु हु डजंट फील पेन। इट इज़ नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू सी अ वुमन लाइक राधिका मदान हु फाइट्स लाइक ब्रूसली। इट इज़ नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू सी समवन एज कूल एज महेश मांजरेकर इन द रोल ऑफ अ ग्रैंड फादर। एंड इट इज सर्टनली नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू सी द ब्रिलियंट गुलशन देवैया प्लेइंग अ डबल रोल, that too of two starkly opposite and different characters. यही है beauty मर्द को दर्द नहीं होता का। दोस्तों, मेरे हिसाब से तीन चीज़ें हैं जो ये फिल्म को extremely entertaining या मज़ेदार बनाती है। पहले तो है इसका story, जो कि flashback में चली जाती है immediately after the introduction of अभिमन्यु। फ्लैशबैक में जाके ये हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है। अभिमन्यु के पास जो क्वालिटी है, क्या ये सुपर पावर है द फैक्ट दैट ही कांट फील पेन, या फिर क्या ये कोई हेल्थ डिसऑर्डर है, इसके बारे में एक चर्चा होती है। उसके बाद जो भी डिफरेंट कैरेक्टर्स है, चाहे वो महेश मांजरेकर हो, गुलशन देवाया के दो डबल रोल्स हो, राधिका मदान हो, या फिर अन्य कैरेक्टर्स हो, सबको बहुत ही ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूस किया है, यू विल लव इट। दूसरा, मैं बात करूँगा डायलॉग्स के बारे में। ब्रिलियंट, ब्यूटिफुल, फनी, क्लैपवर्थी, तालीमार डायलॉग्स आपको मिलेंगे। और डायलॉग डिपार्टमेंट में दो लोगों ने बाजी मार दिया है। पहला तो है महेश मांजरेकर, भाई व्हाट एन एक्टर यार। मतलब आप इनको वांटेड जैसी फिल्म दो या फिर मर्द को दर्द नहीं होता है जैसी फिल्म दो यार, पानी के जैसे वो फिट हो जाते हैं सीमलेसली, एफर्टलेसली। दो डायलॉग्स है महेश मांजरेकर के। पहला तो वो अभिमन्यु को समझाते हैं, व्हेन अभिमन्यु ग्रोज एंड बिकम्स अबाउट 2021, तो अभिमन्यु ठहरे ब्रूसली के बड़े फैन, तो अभिमन्यु को प्यार से महेश मांजरेकर समझाते हैं, भाई अब ब्रूसली छोड़, सहेली ढूंढ, नॉट ब्रूसली, सहेली, दिस इज व्हाट यू वांट यार। जिस अंदाज से वो बोलते हैं ना, यू विल स्टार्ट लाफिंग। फिर दूसरा एक सीक्वेंस है, महेश मांजरेकर अपने सन इन लॉ मतलब जिमित त्रिवेदी, जो कि हुए अभिमन्यु के फादर। जिमित त्रिवेदी वही एक्टर है जिनको आपने लास्ट में आई थिंक 102 नॉट आउट में देखा था, ब्रिलियंट एक्टर। तो जिमित त्रिवेदी को महेश मांजरेकर साहब बोलते हैं, इनफैक्ट जिमित त्रिवेदी महेश मांजरेकर को आके बोलते हैं, यार मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं कि मैं शादी करना चाहता हूं फॉर द सेकंड टाइम, क्योंकि उनकी फर्स्ट वाइफ की निधन हो गई होती है, वो आपको पता चलेगा क्यों। तो जिमित त्रिवेदी ये ही इज़ इन अ डिलेमा, उनको पता नहीं कि ये न्यूज़ कैसे ब्रेक करे अभिमन्यु का, तो वो विचार विमर्श करते हैं महेश मांजरेकर के साथ। तो महेश मांजरेकर एकदम कूल अंदाज में कहते हैं, यार ये बोलो कि तुम्हें सेक्स करना है यार आप हंस पड़ोगे ये डायलॉग सुनने के बाद यार। अब दूसरा जो बाजी मारते हैं डायलॉग्स डिपार्टमेंट में, वो है भाई द ब्रिलियंट गुलशन देवाया। आई एब्सोल्युटली लव दिस एक्टर यार, मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। क्या टैलेंट है यार, और आई थिंक वो टैलेंट निखर के उभर के आता है इस फिल्म में मर्द को दर्द नहीं होता में। ऑल क्रेडिट मस्ट बी गोइंग टू वसन बाला एज वेल फॉर हैविंग ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ गुलशन। अब डायलॉग्स की बात करें यार इसमें कैरेक्टर है जिमी करके, जो कि एक स्लीक, स्टाइलिश, क्लासी डॉन, मस्त सूट वूट पहनते हैं यार, बाल पे जेल वेल लगा के एकदम स्टाइलिश बन के रेड कलर का गॉगल्स पहन के आते हैं यार, और एकदम उनके एक पर्टिकुलर आई थिंक साउथ एक्सेंट में वो बोलते हैं यार, वो एक पर्टिकुलर एक्सेंट में चुनली गुलशन देवैया कैन ब्रिंग आउट। तो एकदम साउथ एक्सेंट में आके बैठ के बोलते हैं, एक दो डायलॉग्स बोलते हैं, मैं सारे डायलॉग्स तो नहीं बताऊंगा बट एक ज़रूर बताऊंगा। एक पर्टिकुलर सीन में जिमी यानी गुलशन देवैया बैठे हैं एंड इज फेसिंग कराटे मास्टर मनी, जो कि उनके ब्रदर है, अगेन प्लेड बाय गुलशन देवैया। तो उनको बोलते हैं, तो उनको अटैक करने का आदेश देते हैं, तो सभी उनके जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं पीछे से चिल्लाते हैं, तो उनको बोलते हैं, यार शोर क्यों मचा रहा है यार, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इतना हंस पड़ते हैं ना लोग थिएटर्स में, मैं क्या बताऊँ आपको दोस्तों। तो डायलॉग्स भी इस फिल्म का एक विनिंग फैक्टर है।
अब तीसरा मैं बात करूंगा एक्टिंग के बारे में. अभिमन्यु, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन टू डेब्यू विथ एन अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट लाइक मर्द को दर्द नहीं होता. और मुझे खुशी है कि आपको ये यूजुअल चॉकलेट बॉय रोमांस या फिर कुछ यूजुअल वो नॉनसेंसिकल फाइट्स जो होते हैं, उस फाइट मूवीज होते हैं, उससे आप डेब्यू नहीं कर रहे हो. दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी एंड यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल. काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे आप, हैंडसम भी है आप. वो लास्ट सीक्वेंस जब आप शर्ट निकालते हो, यार गर्ल्स ड्रूल लुकिंग एट योर बॉडी, आई कैन से दैट. एक्सलेंट डेब्यू, कीप द गुड वर्क एंड आई कैन टेल यू जिस तरह से आपने फाइट किया, मेहनत दिखता है. एंड गो 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 वेल इन दिस डायरेक्शन यार, आई थिंक यू कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट एक्शन स्टार्स इन बॉलीवुड इन द डेज टू कम. दूसरा मैं बात करूंगा राधिका मदान के बारे में. यार राधिका, आई हैव टू टेल यू समथिंग, मैंने आपके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जिस तरह से आप ट्रेनिंग ले रही हो मार्शल आर्ट्स में, अमेजिंग डेडिकेशन यार स्क्रीन पे दिखता है. जिस तरह से आपने हार्डवर्क किया, दैट पेस ऑफ, बहुत अच्छा एक्शन किया आपने. मुझे पता नहीं कितने सीक्वेंसेस में बॉडी डबल को यूज़ किया है, क्योंकि मैंने क्रेडिट्स में गीता टंडन का नाम भी देखा, लेकिन आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द मेजर फाइट सीक्वेंसेस आपने किए होंगे ऑन योर ओन. सो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा किया आपने. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप जब स्क्रीन पर आते हो ना, बहुत ब्यूटीफुल लगती हो यार आप, मतलब प्यार हो जाता है आपसे. तो हमारे लिए क्लीशेड रोमांटिक लव स्टोरी भी कीजिए ना, लाइक DDLJ हो या फिर द यूजुअल लव स्टोरीज यार, यू विल लुक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड अलाउ अस टू फॉल इन लव विथ यू वंस अगेन. महेश मांजरेकर, वेल आई जस्ट स्पोक अबाउट यू सर, यू आर ब्रिलियंट. आपके बारे में और कुछ कहना, मतलब आई एम नॉट वर्दी इनफ टू प्रॉब्ली इवन प्रेज यू सर. यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड यू आर ब्रिलियंट इन दिस फिल्म. गुलशन देवैया बॉस, ब्रिलियंट 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 एक्टिंग. You need to do a lot more films, yeah, and directors and producers need to give him great, great roles. This man is super, supremely talented. Gulshan, मैंने आपका भी वीडियो देखा, जिस तरह से आप मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेते हो यार, excellent, excellent job, very well done, और बहुत अच्छा फाइट सिक्वेंसेस है. मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा फाइट होगा, आप इतने अच्छे फाइट करोगे, बट डेडिकेशन दिखता है, सिंसियरिटी दिखता है. बहुत अच्छा काम किया सर आपने, मज़ा आ गया आपको देख के. स्पेशली मास्टर मणि, कराटे मास्टर मणि ने जिस तरह से फाइट किया है, बीइंग डिसेबल्ड, एक पैर नहीं है उनका, हैंडीकैप्ड है, और जिस अंदाज से वो फाइट कोरियोग्राफी भी किया है ना, बहुत अच्छा लगा यार, ब्रिलियंट. तो ये हुई मेन स्टार कास्ट की बात. जाने से पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन द कास्टिंग डिपार्टमेंट, जिस तरह से कास्टिंग किया मुकेश छाबरा साहब ने, और जो सपोर्टिंग एक्टर्स है यार, ब्रिलियंट यार, कैरेक्टर्स को पकड़ के लेके आए. क्योंकि इस फिल्म में आपको बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दिखेंगे, जिमी जो कि गुलशन देवैया के डॉन टाइप राउडी कैरेक्टर है, उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, एंड दे फाइट राधिका मदन, अभिमन्यु एंड कराटे मास्टर मणि. तो बॉडीगार्ड्स में भी एक एक कैरेक्टर है यार, लाइक देर इज दिस ओल्ड मैन हु लुक्स आफ्टर वेपन्स, तो उसको आके एक बॉडीगार्ड बोलते हैं, गन दे दो बोलते हैं, जब तक फॉर्म फिल नहीं करेगा गन नहीं दूंगा. मतलब यार इट्स एन इंटरेस्टिंग फेस ऑफ. और ये मेन एक्टर्स नहीं है, सपोर्टिंग एक्टर्स है यार, और दाद देना पड़ेगा कास्टिंग टीम का फॉर फाइंडिंग सच ब्रिलियंट एक्टर्स, बिकॉज इट कीप्स यू एंगेज्ड. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड प्रतीक परमार. मैंने आज उसको डिस्कवर किया यार. प्रतीक परमार प्लेज द रोल ऑफ सैमुराई. वो फाइनल के क्लाइमैक्स सीन में अभिमन्यु के साथ जो फाइट करता है बंदा, उनका नाम है प्रतीक परमार. बॉस यू आर ब्रिलियंट यार, व्हाट अ मार्शल आर्टिस्ट, और क्या फाइट करते हो आप. मैं आपको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करने चालू किया, आई हैव टेकन अ लुक एट योर यूट्यूब वीडियोस, यू आर एब्सोल्युटली ग्रेट यार. इनफैक्ट आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट दैट वी हैव इन टाउन करंटली यार. और आप दिखते भी इतने अच्छे हो, आपको तो यार ऑडिशन करना चाहिए लीड रोल्स के लिए. आई होप यू टेक माई एडवाइस सीरियसली, बट सीरियसली वेल डन यार, एंड आई वुड लाइक टू मीट यू समडे एंड इंटरव्यू यू पॉसिबली. बट दैट्स मर्द को दर्द फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आपको लाइफ में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है तो जाके एक्सपीरियंस कीजिए, बिकॉज दिस मूवी इज वर्थ अ वॉच. दिस सोनप साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड वाला. बट बिफोर दैट, इफ यू आस्क मी हाउ मेनी स्टार्स आउट ऑफ 5, आई वुड गिव इट 3.5 स्टार्स. सो गो एंड वॉच दिस मूवीज एट अ गो एंड वॉच दिस मूवी एट अ थिएटर नियर बाय यू, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ फन राइड. टिल देन, दिस सोनप सेइंग बाय बाय.